आए हुए तो बहुत दिन हो गए। अब 2015 तक आपने, मैं आपको बता दूं मोदी जी, मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। कहना बनाऊं हर बहन को, हम गरीब क्यों रहे, हम आज भगवान श्री राम के जय जयकारे के साथ माननीय मोदी जी का जो विजय रथ प्रारंभ हो रहा है, तो मंडला तैयार है कि नहीं, मंडला लोकसभा तैयार है कि नहीं है, जोर से बोलो जय जय श्री राम। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए पूरा वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी, मोहन यादव और अरविंद केजरीवाल के बारे में और लाडली बहना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। अरे बहनों के खाते में भी तो सुख होना चाहिए, पर इसलिए हम मजबूर नहीं रहेंगे। हम किसान को समझो, किसान कह रहा है हमें एमएसपी दो, वो 14 लाख करोड़ रुपया 15-20 अरबपतियों को माफ कर देंगे और किसान को धान के लिए, गेहूं के लिए एमएसपी नहीं दे सकते। हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी किसान को एमएसपी देगी। न्याय तो आज की बड़ी बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर यह भी है कि राहुल गांधी इंटरनली आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि मामा लगातार बहनाओं को घेरते हुए लोकसभा चुनाव में भी 29 में से 29 सीटें लाने का दावा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, अब वो कितने दिन का होता है ये कोर्ट को फैसला करना है, 2-4 दिन 5 दिन। हालांकि ईडी ने 10 दिन का, अरविंद केजरीवाल को 10 दिन का रिमांड पर या हिरासत में लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हेरफेर किया है हरियाणा और गोवा के चुनाव के लिए और उनका बहुत ही सबूत है। लेकिन यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं, मीडिया सोर्स की माने कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, उन्हें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। आप लोग, जी हाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, लेकिन अगर ये भ्रष्टाचार होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा तो साफ सुथरा जेल से बच जाएगा। तो यहां पर हम अरविंद केजरीवाल जी की बात करेंगे, शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा की बात करेंगे, लखपति योजना की बात करेंगे, केजरीवाल का अब क्या होगा इस पर बात करेंगे क्योंकि ये बड़ी खबर है। और 1 अप्रैल से मध्यप्रदेश में नई घोषणाएं होने जा रही हैं। आवास योजना के तहत प्रदेश में 36 लाख ग्रामीण परिवारों को आवास मिला है, इस पर हम बात करेंगे। पीएम मोदी ने लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, जी आप देख सकते हो पीएम मोदी ने लोकतंत्र खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। और अब देखो, एक तरफ तो बंद, कौन बंद, केजरीवाल जी अब जेलें बंद करवा दिए, यहां पर इनके खाते बंद करवा दिए। तो ये खाते बंद करवाने की प्रोसेस क्या बीजेपी ने करी है या फिर इनका कुछ गड़बड़ था, क्योंकि 14 लाख रुपए का मामला पिछले 7 साल से लटका हुआ था, उस पर राहुल गांधी ने बयान दिया है कि 14 लाख का मामला था और 2000 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया, 200 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया। वादा था बुलेट ट्रेन चलाने का, लेकिन मोदी सरकार के राज में एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, ये ट्रेन को धक्का लगाया जा रहा है। क्या हो रहा है, ट्रेन को धक्का लगाया जा रहा है। बड़ी अभागी है कांग्रेस पार्टी, ऐसा मानना है हमारे सीएम मोहन यादव का। इनका भी एक बड़ा बयान आया है कि जो राम भक्त नहीं, वो बोलते ना कि इनको राम भक्ति करने की छूट दी गई थी या खुले मन से बुलाया गया था, बट ये अयोध्या नहीं आए। जातिगत जनगणना के लिए आर्थिक सर्वे होना चाहिए, ये मानना है राहुल गांधी का। चूंकि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, मैं आपको कह दूं कि मध्य प्रदेश की जबरदस्त न्यूज, साथ ही साथ जो ऐसी भी न्यूज जो आपको, आपके परिवार को, आपके हर एक व्यक्ति को इफेक्ट करेगी, उस पर हम रोज चर्चा किया करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे किसकी, कि आर्थिक जातिगत जो सर्वे हो रहा है उससे क्या फायदा होगा।
बेटी को स्कूल में टॉप करने पर स्कूटी दी थी, तो बेटी को स्कूल में टॉप करने पर स्कूटी दी थी, तभी से मामा के मन में इच्छा क्या थी कि मामा एक बार उस पर बैठ के आए। तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मामा स्कूटी पे बैठे हुए हैं एक लाडली बच्ची के साथ में। मामा ने लाडली बहनाओं के लिए फिर से ये घोषणा की है कि लाडली बहना तो मैंने चलाई है, मात्र 1,250 रुपये मिल रहे हैं, उसको बढ़ा के आगे जितना 3 लाख का वादा किया, 3,000 का वादा किया था मामा ने, तो 3,000 का वादा जब पूरा करेंगे तब करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ा वादा और कर दिया है कि हर बहना को लखपति बहना बनाएंगे, जैसे कि राजस्थान में लखपति दीदी चल रही है, यहाँ पर लखपति बहना चलाएंगे। तो ये सारी खबरों को विस्तार से हम जानते हैं मात्र 15 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी बात को कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब से आरोप लगे हैं वो लगातार ईडी के समन को नकारते आ रहे हैं। कई बार 10 से ज्यादा बार समन देने के बाद फाइनली ईडी को ये राइट्स दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुनवाई अलग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उस समय अरविंद केजरीवाल जब पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए, तो उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए हूं, देश की सेवा करता रहूंगा, चाहे जेल के अंदर हूं चाहे बाहर। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार बहुत बहुत पावर से पूरे दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है, उस प्रदर्शन के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो देखिए अरविंद केजरीवाल को छुड़ाने के लिए, अच्छा आपका क्या मानना है, खुले मन से बताना आपका क्या मानना है, क्या अरविंद केजरीवाल दोषी हैं या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन देखिएगा उनको छुड़ाने के लिए कितनी मेहनत की जा रही है। मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के। लेकिन आप सबका नजरिया क्या है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि एक सीधे साधे इंसान को जेल के अंदर डाल दिया गया है। अब अगर सीधे साधे इंसान होते तो क्या हमारी न्यायपालिका इतनी कमजोर हो गई है कि एक बेसहारे मुख्यमंत्री जैसे लोगों को अगर न्याय नहीं मिल पाएगा तो फिर आम आदमी का क्या होगा? अगर मुख्यमंत्री ने गलती करी होगी तो फिर कोई भी हो, लालू प्रसाद यादव भी जेल में गए, ठीक है, साथ में दूसरे मतलब कई सारे नेता ऐसे हैं जैसे अभी कई लोग जेल की चक्की पीस रहे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर यह मानना कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं या नहीं, मैं तो अभी कहूँगा कि भाई 2-4 दिन 5 दिन में ही दूध का दूध पानी का पानी होगा, कि अगर वास्तव में उन्होंने इतना बड़ा घोटाला या घोपला नहीं किया होता तो इसके पीछे नहीं पड़ना था, और अगर पड़े हैं गलत तरीके से तो ये किसी भी सरकार की नाकामी है कि वो किसी बेगुनाह आदमी को परेशान कर रही है। चलिए अगर एक तरफ यहाँ पर बीजेपी अपनी बड़ी बड़ी बातें बता रही है, अरविंद केजरीवाल जेल में जा रहे हैं, और यहां पर आवास योजना के तहत प्रदेश में 36 लाख मकान देने के बाद सीएम मोहन यादव लगातार प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार की बढ़ाई करते हुए नहीं थक रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है ये अब सारा विपक्ष बोल रहा है। क्या बोला विपक्ष ने, देखिए इस वीडियो में इन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। आपको यहां पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसा मानना है सारे विपक्ष का। अब कांग्रेस पार्टी जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने क्या क्या किया है ये कौन बताए, लेकिन ठीक है, मेरा मानना तो यह है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, कुछ समय के बाद सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। अगर सत्ता एक ही के हाथ में रहती है तो फिर समस्याएं आना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तो कुछ सालों तक तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि विपक्ष इतना मजबूत है कि बीजेपी को कवर कर पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने वर्चस्व बना रखा है अभी तो कुछ सालों तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का कुछ हो पाएगा। लेकिन हाँ, जब भी तानाशाही आगे बढ़ेगी, कहीं की भी हो, किसी की भी हो, कांग्रेस की नहीं चली, 72 साल 70 साल उन्होंने रोज कर लिया, तो ऐसा करते हुए आप देख सकते हो कि या कोई भी सरकार हो, अगर वो तानाशाही रवैया अपनाएगी तो वास्तविकता तो ये है कि उसको भी उखाड़ फेंका जाएगा। अगर सच है, सही है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखोगे कि बुलेट ट्रेन चलेगी का उद्घाटन भी हो गया, लेकिन ये वीडियो देखकर, एक थोड़ा सा मजेदार वीडियो है इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत वायरल हो रहा है कि मोदी अब ये कांग्रेस के
ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डाला गया वीडियो है। अभी कितना सच है कितना झूठ वो तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन आप ये वीडियो देखिएगा आपको लगेगा कि बुलेट ट्रेन की जगह पर ये क्या चल रहा है। ट्रेन में धक्का लगा था भैया, तो भाई देखो तो परेशान है जनता भैया यार, तो परेशान यार, यहाँ धक्का लगा था। भारत सरकार क्या भैया, वीडियो बने जरूर, ट्रेन में धक्का लगा था भाई, देख लियो तो भाई ये हाल हो गया सरकार का। तो यहां पर बीजेपी पर तंज कसते हुए ये जो वीडियो है ये काफी वायरल हो रहा है। रेलवे का काफी नुकसान हुआ है, रेलवे सेक्टर का काफी नुकसान हुआ है ऐसा मानना है कांग्रेस सरकार का। जैसा कि आपने देखा कि पीएम मोदी ने लगातार कांग्रेस के खातों को फ्रीज करके ये जताने की कोशिश की है कि बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी व्यवस्थित तरीके से चुनाव न लड़ सके। अभी आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तो ईडी ने उसमें क्या बोला है। ईडी ने यह कहा है कि 15,000 ऐसा करके 45 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन शराब कारोबारियों से लेकर जनता का नुकसान करके उन्हें अवैध या फिर उन्हें गलत तरीके से पैसा देकर लाभ कमाया और उस लाभ का उपयोग पंजाब की सरकार बनाने में और गोवा का चुनाव लड़ने में आम आदमी पार्टी करना चाहती थी। लेकिन ईडी के ये तथ्य अब कोर्ट में रखे गए हैं, कोर्ट में उसको प्रूफ होना बाकी है। लेकिन चूंकि ईडी ने आज तक जब भी आप देखोगे ईडी ने आज तक जब भी किसी को रिमांड पर मांगा है तो पहली सुनवाई में ईडी क्या बोलता है कि अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो ये सबूत मिटा सकते हैं या कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इसीलिए रिमांड पर रखने की जो पहली याचिका या मांग होती है वो हमेशा मान ली जाती है। इसका मतलब ये है कि कम से कम 10 दिन तक तो अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रहना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल का पुराना वीडियो और आतिशी जी ने क्या कहा है, आगे क्या रणनीति बनाई जा रही है, कहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, सब पर पूरी नजर। तो पहले अरविंद केजरीवाल जी का वीडियो देखेंगे, फिर आतिशी के बारे में जो उन्होंने कहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा विचार आप भी करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आतिशी जो कह रही है क्या वो सही है, आपके विचार जरूरी है। हुए तो बहुत दिन हो गए, अब 2015 तक आपने, मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो जरा दिया सीबीआई से, केजरीवाल नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं, केजरीवाल नहीं डरने वाला, आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा, लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला, मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूं। मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहाँ है, ये है मनी ट्रेल शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी और अरबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं, मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है।
सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। चलिए, तो यहां पर सब अपने अपने चुनाव प्रचार के तरीके से अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कांग्रेस हो तो वो सत्ता में आना चाहती है, अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाना चाहते हैं, यहां पर मोहन यादव सरकार के बड़े बड़े कारनामों को बताकर अगले लोकसभा चुनाव में बड़ा नाम कमाना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन हाँ, बेटी को स्कूटी देने के बाद मामा का मन कर गया बेटी को स्कूटी पर बैठने का। ये वीडियो भी आपके लिए एक स्पेशल वीडियो है जो कि बहुत रेयर केस में मिलेगा। देखिए मामा ने स्कूटर का मजा लिया। दो मिनट मेरी स्कूटी पर आए तो मुझे अगर खुशी होगी। यहाँ पर आपने देखा कि मामा ने भी बेटी के मन की बात को या फिर जिस बच्ची ने कहा कि मेरी स्कूटी पर बैठ जाइए, उन्होंने भरपूर उनका साथ दिया और साथ में बैठ के थोड़ा सा राइड का मजा भी लिया। लेकिन यहीं पर मामा ने लाडली बहनाओं के लिए एक और बड़ी घोषणा कर डाली। हालांकि ये घोषणा कल की थी, लेकिन मैं आपको उन बच्चियों को या उन महिलाओं को बताना चाहता हूँ कि ये घोषणा नाजायज नहीं है। इस घोषणा में क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। इस घोषणा में मामा ने ये कहा है कि लाडली बहनाओं को लखपति बहना बनाऊंगा। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताने चाह रहा हूं। सबसे पहले तो लगभग 1,30,00,000, जी हां, 1,30,00,000 महिलाओं को अलग अलग, जी हां, 1,30,00,000 महिलाओं को अलग अलग योजना के जरिए लाभान्वित किया जा रहा है और लगभग 600 करोड़ रुपए जो हैं ये योजनाओं पर पिछले 2024 में, जी हाँ, 2023 में 2023 में 600 करोड़ रुपए केवल और केवल बहनाओं पर खर्च किए गए। इसके साथ सभी महिलाओं की बात करें तो 1200 करोड़ पिछले 3 साल में खर्च किए गए। तो ये पैसा बीजेपी सरकार जब भी देखो, कई बार तो कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेकर भी काम चल रहा है, लेकिन चूंकि सरकार में किसी को या सरकार बनी रहे कुल मिला के, तो किसी को जा किसानों को हो, किसानों के लिए 800 करोड़ रुपए, जी हाँ, 800 करोड़ रुपए किसानों के लिए। अब देखते जाना, किसानों और इनको मिला दिया जाए तो करीब 2,000 करोड़ रुपये होता है। 2,000 करोड़ रुपए पिछले 2 साल में खर्च कर चुकी है योजनाओं पर सरकार। अब यहां पर मामा ने लाडली बहनाओं के लिए लखपति बनाने का प्लान क्या देखा है। अब उनने कहा कि फ्री में पैसा तो बहुत दे दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि लाडली बहनाएं कुछ पैसा कमाएं भी, तो उसके लिए कौशल विकास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कौशल विकास करेंगे। कौशल विकास करके महिलाएं बीजेपी या मामा का साथ दें या ना दें, इसके लिए मामा ने दो बार आह्वान भी किया। इस वीडियो में देखिएगा, ये वीडियो जिसने देख लिया हो 30 सेकंड 40 सेकंड का है, फिर से देख लीजिएगा। इसमें आपको वो जानकारी मिलेगी कि मामा ने आखिर प्लान क्या बना रखा है। लोकसभा चुनाव जीतना है वो तो ठीक है, वो तो बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे, 29 में तो 29 आएंगी, लेकिन एक अबला नारी
या कमजोर नारी या फिर असहाय नारी के लिए सरकार क्या कर सकती है। साथ ही साथ जो नारी सक्षम है, जिस नारी के अंदर दिमाग है, जो नारी कुछ कर सकती है, जिसमें कला है, जो कुछ कर सकती है, उसके लिए कुछ विशेष चीज़ें प्रोवाइड की जाएं ताकि वो पैसा कमा सके। इसके लिए मामा ने कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं जिसमें लखपति बहना योजना ही शामिल है, जिसमें 1 लाख रुपए आपकी दीदी को दिया जाएगा, बहना को दिया जाएगा, और उससे वो पैसा बनाकर कई लाख रुपए और बना लेगी। देखते हैं मामा का क्या विजन है। हर बहन को लखपति बहना बनाऊं, हर बहन को। हम गरीब क्यों रहे, हम आंसुओं में क्यों डूबे रहे। हर महिला, हर बहन देवी की मूर्ति है, ये भारतीय संस्कृति कहती है। अपने यहां कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे, जहां माँ बहन और बेटी को इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं भगवान रहेंगे। और ये मेरी जिंदगी का मिशन है, मैं अपनी बहनों का सम्मान बढ़ाऊं, मैं अपनी बेटियों के लिए ऐसा काम करूं जिनसे उनकी जिंदगी बोझ नहीं वरदान बन जाए। इसलिए मेरी बेटियों, पहले बेटी बोझ समझी जाती थी, हमने लाडली लक्ष्मी योजना बना के ये तय किया कि बिटिया मध्य प्रदेश की धरती पर लखपति पैदा होगी, लखपति। बेटियों की शादी का कार्यक्रम मैंने मुख्यमंत्री रहते शुरू किया। और मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी की तकलीफें तुम्हारा ये भाई जानता है। आज मेरे सीने से लग के कई बहनें रो पड़ी, मैं जानता हूं बहन। हर बहन को लखपति बहना बनाऊं, हर बहन को। हम गरीब क्यों रहे, हम आंसुओं में क्यों डूबे रहे, हम दुख भरी जिंदगी क्यों जिए। अरे बहनों के खाते में भी तो सुख होना चाहिए, और इसलिए हम मजबूर नहीं रहेंगे। तो मामा ने तो कह दिया है कि हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे, और लखपति बनाने के लिए महिलाओं के अंदर इतना क्रेज है कि कल मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो 30-40 सेकंड का दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगा कि मामा को इतना पसंद किया जा रहा है कि पहले बुंदेलखंड की महिलाएं बोलती थी कि मामा को वापस लाओ, अब ये दूसरे जिलों से भी मांग उठने लगी है कि मामा को वापस लाओ। देखिए ये छोटा सा वीडियो, और फिर हम वीडियो की समाप्ति पर कुछ बातें आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी। और हाँ, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं और बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निःशुल्क शिक्षा हमारे इसी चैनल पर दी जा रही है, उस शिक्षा को आप जरूर ग्रहण कीजिएगा ताकि जन जन तक हमारी ये शिक्षा की ज्योति पहुंच सके। देखिए मामा को सीएम बनाने की मांग लगातार उठ रही है कि मामा को वापस लाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। उजड़ गए हम, बेरान पड़े यहाँ, भीख मांगने की मोहनत आ गई हमारी, तो हम मामा को लाके छोड़ दो, हमारे मामा सब कुछ कर लेंगे। हमारे मामा को लाके दो, बस शिवराज सिंह को यहाँ ला दो, हम हमारे मामा से सब बात कर लेंगे। तुमसे क्या बात करें हम, क्या मिला हमें, आज 8 दिन हो गए, कल 8 दिनों में जाएंगे पूरे। बड़े मुद्दों को लेकर फिर शुरुआत करेंगे, मोहन यादव जी की योजनाएं, मोदी जी की योजनाएं हो, चाहे चुनावी घमासान हो। बनारी हमारे साथ, इंदौर में हमारी 2 ब्रांच है, अगर आप चाहें तो आप लोग यहाँ पर आके पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर आप इंदौर नहीं आ सकते हैं तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। मात्र अपने मोबाइल में टाइप कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी। जी हाँ, आपको मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाना है, दीप्ति सिंह एकेडमी टाइप करना है, और आपके लिए दीप्ति एकेडमी की एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। इंदौर आए तो ठीक।